Hello everyone. So the next topic that is in data structure series is insertion sort. So this is one of the algorithms of sorting jo sort karega a given set of data ko, and this particular algorithm is not very efficient. That is why you can use it in small data set. Aap isko chote ya kam data ke liye istemal kar sakte ho is algorithm ko, kyunki ye zyada efficient nahi hai. Iski efficiency, right? इसका explanation with example, इसका एक pseudo code लिखेंगे हम which is similar to C language और पूरा cover करेंगे इसको analysis of its algorithm. So let us start with the insertion sort. तो insertion sort algorithm समझने से पहले ये term insertion क्यों use हुई है इस algorithm में इसको समझना बहुत important है. तो हम ये insertion समझ लें किस चीज़ का insertion हो रहा है और किस तरह से हो रहा है. एक बहुत ही simple सा normal सा example लेते हैं हम, जो हमारी मॉर्निंग असेंबली की लाइन होती है, स्टूडेंट्स की लाइन होती है, राइट. वो लाइन जनरली हम क्या बनाते हैं, हाइट वाइज. सबसे कम हाइट वाला जो स्टूडेंट है वो सबसे आगे, देन उसके बाद हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट में हम असेंबली लाइन में खड़े होते हैं मॉर्निंग प्रेयर्स के लिए, राइट. सो सपोज जो सबसे आगे जो बच्चा खड़ा है, जो स्टूडेंट है, उसकी हाइट है सपोज 3.5 फीट, राइट. उसके बाद जो स्टूडेंट यहाँ पर खड़ा है सपोज उसकी हाइट है 4 फीट, राइट. ये सब हाइट किस में है, फीट में. नेक्स्ट जो स्टूडेंट खड़ा है सपोज उसकी हाइट है 4.5, राइट. नेक्स्ट जो स्टूडेंट यहाँ पर खड़ा है उसकी हाइट है सपोज 4.9, राइट. अब हम सपोज करते हैं ये चार स्टूडेंट्स ऑलरेडी खड़े हुए हैं, 1, 2, 3, 4, फोर स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी स्टैंडिंग इन द क्यू या लाइन. अब एक स्टूडेंट आएगा यहाँ से, राइट. हम रिज्यूम करके चलते हैं, उसकी हाइट है 4.2, राइट. इसकी हाइट कितनी है, 4.2. तो अगर इसकी हाइट को आप यहाँ पर फिट करोगे, परफेक्टली फिट करोगे, ताकि जो ऑर्डर पहले मेंटेन था, क्या ऑर्डर मेंटेन था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट, राइट. हम हाइट वाइज यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स को खड़ा किया हुआ है, राइट. तो सेम चीज़ अप्लाई होनी चाहिए इवन जब ये स्टूडेंट यहाँ पर लाइन में आ जाता है. तो 4.2 की जो हाइट है स्टूडेंट की, ये स्टूडेंट को कहाँ अकोमोडेट होना चाहिए, कहाँ पर ये फिट बैठेगा, इन दोनों के बीच में, राइट. इन दोनों स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि 4 और 4.5 के बीच में ही क्या आएगा, 4.2. तो इसको यहाँ पर ले आने के लिए, राइट, इसको यहाँ पर इस पोजिशन में इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर्सन को पहले एक प्लेस पीछे जाना पड़ेगा, राइट. बैकवर्ड जाएगा वो, एक स्टेप पीछे हो जाएगा. फिर उसके आगे वाला स्टूडेंट इस प्लेस पे आ जाएगा जहाँ पर ये इसके पीछे वाला स्टूडेंट था, राइट. अब ये जो 4.2 वाला है इसके लिए यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो जाएगी, इस जगह पर वो आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, राइट. 4.9 वाला, 4.5 वाला यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, 4.2 वाला, राइट. और इस तरह से ये स्टूडेंट यहाँ पर अकोमोडेट हो चुका है, राइट. अब सपोज करते हैं नेक्स्ट कोई स्टूडेंट आने वाला है और उसकी हाइट है 3.6, ठीक है. इस स्टूडेंट की हाइट कितनी है, 3.6. सो अगर हम यहाँ देखें तो इस स्टूडेंट को परफेक्टली फिट होना है अगर इस लाइन में हाइट वाइज, तो उसको कहाँ पर आना चाहिए, इन दोनों के बीच में, राइट. इसको यहाँ पर अकोमोडेट करने के लिए, इन दोनों के बीच में यहाँ पर अकोमोडेट करने के लिए हमें अगेन स्टूडेंट्स को शिफ्ट करना होगा, एक एक प्लेस बैकवर्ड शिफ्ट करना होगा. इनको हम बोलेंगे आप एक प्लेस आगे हो जाइए, राइट, मतलब पीछे की साइड चले जाइए. फिर ये एक और प्लेस पीछे हो जाएगा, ये भी एक प्लेस पीछे हो जाएगा, ये भी एक प्लेस पीछे होना पड़ेगा इसको, और तब जाकर ये यहाँ पर आएगा, राइट. तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं वो समझिए आप यहाँ पर, यही सेम फंडा यूज होने वाला है इंसर्शन सॉर्ट की एल्गोरिथम में, राइट. सो ये बड़े ध्यान से देखने वाली चीज़ है. सो ये स्टूडेंट जो है वो कहाँ पर अकोमोडेट होगा, यहाँ पर, यहाँ पर अकोमोडेट होगा, यानी कि क्या होगा, इंसर्ट हो रहा है यहाँ पर, वो उसको हम यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं लाइन के बीच में, राइट. वो हम कैसे कर रहे हैं, इस हाइट से बड़ी हाइट वालों को एक एक प्लेस बैकवर्ड जाने के लिए बोल रहे हैं, ताकि इसके लिए हम जगह बना सकें और उसको इंसर्ट करा पाएं. सो सेम प्रिंसिपल यूज होने वाला है हमारी एल्गोरिथम में. सो लेट अस नाउ सी द एग्जांपल. सो नाउ दिस इज द एग्जांपल, वी आर टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ एन एरे, राइट. इसके अंदर टोटल 8 एलिमेंट्स हैं. एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर ज़्यादा लिए हैं ताकि वो सारी जितनी भी कंडीशंस हैं हम उनको यहाँ पर कवर कर पाएँ और एग्जाम्पल को अच्छे से समझ पाएँ. यहाँ पर मैंने स्टेप्स लिस्ट डाउन किए हैं, राइट, जो
ओवरऑल इस एल्गोरिथम को कवर करते हैं, राइट. बेसिक फंडा आपको समझ में आ जाएगा कि एल्गोरिथम वर्क कैसे कर रही है फॉर सॉर्टिंग, राइट. सो स्टार्ट विथ सेकेंड पोजिशन एलिमेंट. ये बोल रहा है कि सेकेंड पोजिशन के एलिमेंट से हम स्टार्ट करेंगे. सेकेंड एलिमेंट क्या है यहाँ पर? 33, राइट. फर्स्ट पोजिशन पे जो एलिमेंट है हम एज्यूम करके चलेंगे कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है. एज्यूमिंग फर्स्ट पोजिशन एलिमेंट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, राइट. इसको सॉर्टेड मान के चलेंगे. तो इस तरह से जो हमारा कंप्लीट एरे है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा.